अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश के ऐसे छोटे छोटे अल्फाज सीखेंगे जिसके बगैर इंग्लिश सीखना नामुमकिन है। ये ऐसे अल्फाज हैं जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। तो नाज़रीन, हमारे पास जो सबसे पहला सेंटेंस है वो है जी अवे। अवे का मतलब होता है दूर, या अवे फ्राम का मतलब होता है दूर, से दूर, मतलब से दूर। नेक्स्ट वर्ड है जी शी, वो। शी हमेशा लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वर्ड है जी एज, जैसा के, एज जैसा के। ही, वो, ये हमेशा लड़के के लिए होता है। अमंग, अमंग का मतलब होता है दरमियान, दरमियान। आई, आई का मतलब होता है मैं। एट, एट का मतलब होता है पर। वी, वी का मतलब होता है हम, जिसको हम अक्सर वी बुलाते हैं, लेकिन असल वर्ड है वी। आल दो, आल दो का मतलब होता है अगरचा। नेक्स्ट वर्ड है जी दे, दे का मतलब होता है वो, मतलब काफी सारे लोगों के लिए वो। एट वंस, अचानक, एट वंस का मतलब होता है अचानक। इट, इट का मतलब होता है ये। आल्सो, आल्सो का मतलब होता है भी। यू, यू का मतलब होता है तुम या तुम लोग। एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। देयर, उनका, देयर उनका। एट फर्स्ट, एट फर्स्ट का मतलब होता है शुरू में। आर, आर का मतलब होता है हमारा, अक्सर इधर हमारे लोग आवर भी बुलाते हैं इसको, आवर का मतलब होता है हमारा। अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ, के खिलाफ। हर, हर का मतलब होता है उसकी, हर उसकी। आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। हिज, हिज का मतलब होता है इसका। अबव, अबव का मतलब होता है ऊपर, अबव ऊपर। हिम या हर का मतलब होता है इसे। ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से, ऑलरेडी पहले से। हु का मतलब होता है कौन, हु कौन। अगेन, अगेन का मतलब होता है दोबारा, अगेन दोबारा। होम, होम का मतलब होता है किसका, होम किसका। अलोंग, अलोंग का मतलब होता है साथ साथ, अलोंग साथ साथ। व्हाट, व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हाट क्या। सर्टेनली, सर्टेनली का मतलब होता है यकीनी तौर पर, यकीनी तौर पर। माई, माई का मतलब होता है मेरा, माई मेरा। क्विकली, क्विकली का मतलब होता है जल्दी से, क्विकली जल्दी से। वाई, वाई का मतलब होता है क्यों, वाई क्यों। एट लास्ट, एट लास्ट का मतलब होता है आखिरकार, एट लास्ट आखिरकार। विच, विच का मतलब होता है कौन सा, विच कौन सा। नॉट, नॉट का मतलब होता है नहीं, नॉट नहीं। बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले, बिफोर
पहले। एट लीस्ट का मतलब होता है कम अज कम, कम अज कम। एंड एंड का मतलब होता है और। नाजरीन, मजीद इस तरह के स्पोकन इंग्लिश की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगती हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।